क्या आप भी SBI अकाउंट होल्डर हैं और अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनेशन प्रोसेस को पूरा कराना चाहते हैं? तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें हम आपको बेहद आसान तरीके से नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस बताएंगे, जो शायद ही आपको पता होगा। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खोलते टाइम नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा करना मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। और हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने देश के सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो ये इंश्योर करें कि उनके सभी कस्टमर्स ने अपने अकाउंट में नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा किया हुआ है। अब इस बीच ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले कुछ सालों में बैंक्स में अनक्लेम्ड अमाउंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और ऐसे में बैंक्स अपने कस्टमर्स को नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए काफी जोर दे रहे हैं। आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि नॉमिनेशन क्यों जरूरी है, उनको हम बता दें कि नॉमिनेशन में आप अपने बाद अपने अकाउंट को एक्सेस करने का अधिकार जिसके नाम करते हो उसको कहते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके डिपॉजिट अमाउंट पर नॉमिनी का कोई भी अधिकार नहीं होता। लेकिन वहीं अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में खाते में जमा पूरी राशि नॉमिनी को मिल जाएगी। साथ ही अकाउंट में नॉमिनी होने से क्लेम लेने का प्रोसेस आसान हो जाता है, और अगर नॉमिनी नहीं होता है तो आपका सारा पैसा अनक्लेम्ड माना जाएगा। अब अगर बात करें कि आखिर SBI कस्टमर्स अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनी ऐड कैसे कर पाएंगे, इसके लिए सबसे पहले SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जाना होगा। वहां जाकर मेन्यू में रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अपना अकाउंट टाइप जैसे सेविंग या FD चूज करें और आगे ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पर जाएं। फिर यहां नॉमिनी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और रिलेशन विद अकाउंट होल्डर फिल करें, इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दें। आगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे फिल करें। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की फैसिलिटी देता है, और इसी वजह से आप बैंक में जाकर भी नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। बस SBI की ब्रांच में जाकर नॉमिनी फॉर्म फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। वहीं अगर माइनर अकाउंट में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट में जमा राशि माता पिता को मिल जाएगी। तो क्या आपने अपने अकाउंट में नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा किया है, हमें कॉमेंट में लिख के बताएं।